केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। वहीं अब ट्विटर ने एक नया विवाद छेड़ दिया। ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से बाहर दिखाया, जिसे लेकर सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ट्विटर ने जो नक्शा दिखाया है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया गया। यह नक्शा ट्विटर के ट्वीप लाइव सेक्शन के अंतर्गत सामने आया है। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के बाहर दिखाया गया। नक्शे की ओर एक ट्विटर यूजर ने ध्यान दिलाया और इस मामले में लोगों का तीखा रिएक्शन सामने आया। बता दें कि ट्विटर ने पिछले साल अक्टूबर में भी भारत का गलत नक्शा दिखाया था। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच चल रहे टकराव में यह नया विवाद सामने आया। नए आईटी नियमों को लेकर इससे पहले भी सरकार और ट्विटर के बीच तीखी तकरार हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही ट्विटर ने केंद्रीय सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने ऐसा किया है। इससे पहले भी ट्विटर ने कई बड़े बड़े राजनेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। ट्विटर के इस बर्ताव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज।